हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएफ फेज 6 के बारे में, विच इज लोकेटेड ऑन एसपीआर सेक्टर 76-77 ऑफ गुड़गांव। बात करें डीएलएफ परिवाना साउथ की, जो के डीएलएफ फेज 6 के अंदर इनका पहला प्रोजेक्ट था, विच इज सोल्ड आउट। उस वक्त अगर आप देखो तो कुछ लोगों का ये कंसर्न आया था कि जिस रेट पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या लॉन्च किया है डीएलएफ ने, वो प्राइस वहां पे जस्टिफाइड नहीं है। मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जिस वजह से डीएलएफ उस प्राइस को वहां पर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स थे वो भी समझाने में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल थे। उसका रीजन ये था कि जो डीएलएफ वहां पे विजन लेके आ रहा है, जो डीएलएफ वहां पे एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उसी इकोसिस्टम को आपको समझाने में, और साथ ही साथ बताऊंगा कि डीएलएफ फेज 6 कैसे डीएलएफ फेज 5 का रेप्लिका होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, कहीं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बात करते हैं डीएलएफ फेज 5 की, जो कि एक ऐसा सेक्टर था, एक ऐसी लोकेशन थी जहां पर जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डीएलएफ के पास खुद था। उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, अगर हम बात करें लग्जरी प्रॉपर्टीज की, तो अरालिया से 99 और 2000 के आसपास ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी, जो कि आपके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकी थी। 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसमें साइज था, 90 लाख के आसपास आपकी ये प्रॉपर्टी पड़ी थी। उस वक्त के हिसाब से देखें तो अरालिया एक बेयरशेल प्रॉपर्टी के तौर पे बेचा गया था। आपको एक बस अंदर एक ढांचा दे दिया गया था, जितने भी अंदर आपको स्ट्रक्चर था, इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर था, आपको खुद बनाना था। तो उस वक्त ये 90 लाख की प्रॉपर्टी थी। और अगर हम अच्छे सेक्टर्स की बात करें, जैसे डीएलएफ फेज 1 के अंदर हो गया, डीएलएफ फेज 2, फेज 3 के अंदर जो अच्छी लोकेशंस है, वहां पर अगर आप 500 गज का फ्लोर खरीदते तो उस वक्त जो उसकी कॉस्ट थी वो आपकी 60-70 लाख के बीच आपको 500 गज पे एक आलीशान फ्लोर मिल जाता था। तो बहुत से लोगों ने उस वक्त भी ये तर्क दिया था कि यार फेज 5 में जाकर, उस जंगल के बीच में जाकर जहां पे ना सिक्योरिटी है ना उतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जाके हम 90 लाख रुपए का एक खाली डब्बा ले ले, उससे बेहतर ये है कि उससे अच्छा ये है कि हम डीएलएफ फेज 1, फेज 2 में जो अच्छी लोकेशंस है वहां पर 500 गज पर बना हुआ एक आलीशान 4 BHK, 5 BHK फ्लोर ले ले, जो कि आपको फुली फर्निश मिलता था। तो बहुत से लोगों ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्लोर्स खरीदे, बहुत से लोगों ने डीएलएफ के विजन पे कॉन्फिडेंस रखते हुए अरालिया खरीदा। और अगर आप अरालिया की आज प्राइस देखो तो 25-26 करोड़ है, और वहीं जो वो फ्लोर 50-60 लाख में, 70 लाख में 500 गज पे बिका था, तो मेरे ख्याल से आज 5 करोड़ से ऊपर उसकी प्राइस है नहीं है। तो इसका रीजन है डीएलएफ द्वारा क्रिएट किया हुआ इकोसिस्टम। अगर आप अरालियाज, मैग्नोलियाज और कैमेलियाज के अंदर देखते हैं तो इट इज नॉट जस्ट एन अपार्टमेंट, के एक इकोसिस्टम, एक लग्जरी है जो डीएलएफ ने वहां पे क्रिएट की है। जब आप वहां पे अंदर जाते हैं तो एक वाव का इफेक्ट आता है, नॉट ओनली इन अपार्टमेंट्स, उसकी जो एमिनिटीज है, जो उसके अंदर उन्होंने गोल्फ कोर्स डेवलप किया है, उसके अंदर जो उन्होंने आर्टिफिशियल लेक डेवलप की है, और जो आपको व्यू मिलता है डेली ग्रीन्स का, जो 300 एकड़ का जो डेली ग्रीन्स है, जो उसका आपको व्यू मिलता है अपने अपार्टमेंट से, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो के इस प्रॉपर्टी को बहुत ही प्रीमियम बनाती है। तो ये एक ऐसा इको इंफ्रास्ट्रक्चर था जो डीएलएफ ने वहां पे क्रिएट किया है। उसके बाद डीएलएफ की बहुत सी प्रॉपर्टीज आई, वहां पे ब्लेयर आया, वहां पे पार्क प्लेस आया, और लेटेस्ट उनका जो क्रेस्ट आया था, अगर आपको याद हो तो क्रेस्ट इनिशियली एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था। जब डीएलएफ ने उसको लॉन्च किया था तो उतने अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला था, लेकिन डीएलएफ ने उस लोकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, प्रॉपर्टी को रेडी टू मूव इन कंडीशन में लाए, और बाद में अगर आपको याद हो तो क्रेस्ट एक हाईली फेमस और हाईली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में सोल्ड आउट हुआ था। तो यही जो डीएलएफ फेज 5 की सक्सेस है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू रोड, सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डीएलएफ ओनली। तो कहीं ना कहीं उसी सक्सेस को डीएलएफ का प्लान है डीएलएफ फेज 6 में रेप्लीकेट करने का। तो यही इकोसिस्टम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों डीएलएफ की जो प्रॉपर्टी है एसपीआर पे, अगर आप उसको खरीदते हो तो क्यों आपको एप्रिसिएशन ज्यादा होने के चांसेस है कंपेयर टू सिमिलर लोकेशन पे ही दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में। अगर बात करते हैं गुड़गांव रियल स्टेट की, तो अगर आपको याद हो तो इनिशियली जब डीएलएफ ने एंटर किया था गुड़गांव के अंदर, उस वक्त और भी बड़े नाम आए थे, जैसे कि अंसल आया था, फिर उसके बाद यूनिटेक आया, और भी बहुत से बिल्डर्स आए जो कि एक टाइम पर डीएलएफ के बराबर या डीएलएफ से भी ऊपर गिने जाने लगे।
लेकिन आज रियल स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो इतना टाइम होने के बाद वो सारे नाम खत्म हो चुके हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। उसके बाद भी जो बहुत डेवलपर्स आए वो भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन डीएलएफ एक इकलौता ऐसा नाम है जो उस वक्त भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है। और आज डीएलएफ की अगर आप उठा के देखो तो डीएलएफ इकलौता एक ऐसा डेवलपर है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। गुड़गांव के अंदर तो शायद ही कोई बिल्डर हो जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो अदर देन डीएलएफ। डीएलएफ जहां भी प्रोजेक्ट लाता है वहां का पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। आरवर के केस में अगर आपने देखा हो तो जो मेन एक्सटेंशन रोड है वहां से जो हयात वाली रोड जाती थी, जो इनके प्रोजेक्ट 63 जो आर्बर था वहां तक जाती थी, पूरे की पूरी रोड पे इन्होंने ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर दी थी। पूरे का पूरा जो रोड है वो इन्होंने साफ कर दिया था। अगर जो इनका जो अंदर सेक्टर रोड बनना है आर्बर का, वो इन्होंने पूरे का पूरा रोड इन्होंने बना दिया था। तो कहीं ना कहीं जो डीएलएफ है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाता है। सिमिलरली अगर आप एसपीआर की बात करें तो जो एसपीआर मेन है जो वहां से सेक्टर रोड अंदर जाती है वो पूरे का पूरा सेक्टर रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज अंडर डीएलएफ ओनली। और वहां की अगर आप जाओगे तो आप देखोगे दोनों तरफ इन्होंने ग्रीन बेल्ट जो है बनानी स्टार्ट कर दी है, पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए, और अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपको बहुत ही अलग लोकेशन देखने को मिलेगी। तो उस लोकेशन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ तो उस फेज में डीएलएफ जो परिवाना साउथ था वो इनका पहला प्रोजेक्ट था जो कि सोल्ड आउट हो चुका है। अब इनके पास जो लैंड है वो एक साथ ही इनको पूरे का पूरा पैच मिलता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 एकड़ से ऊपर ऊपर का लैंड पार्सल है जहां पर ये 3 से 4 फेज के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जो इनका प्लान है वो इस तरह से है कि ये वहां पर अरालियाज, मिनी कैमेलियाज और मिनी आपका जो मैग्नोलियाज है उसी तरह का कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉपर्टीज डेवलप करेंगे, जैसे आपका एक गोल चक्कर बनता है इन गोल्फ कोर्स लिंक के अंदर, जहां से आप एक साइड जाते हो अरालियाज के लिए और मैग्नोलियाज के लिए और दूसरी तरफ से आप जाते हो कैमेलियाज के लिए। द सेम वे दे आर गोइंग टू डेवलप इन सेक्टर 76 एज वेल। वहां पे आपका जो है इंटरनल जो होगा 55 से 60 एकड़ की आपकी ग्रीन बेल्ट होगी जहां पर हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल लेक बनाए, हो सकता है उस पर ये गोल्फ कोर्स बनाए, वो एक आने वाले फ्यूचर की कहानी है। लेकिन ऑब्वियसली वहां पे इनके पास बहुत ही ज्यादा जो ग्रीन बेल्ट है वो रहेगी, कहीं ना कहीं एक बड़ा पैच में आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी जो कहीं ना कहीं उस हिसाब से जो उस टाइम का जो कल्चर होगा, जो उस टाइम की जरूरत होगी उसके हिसाब से वहां पे वो एमिनिटीज डेवलप करेंगे। तो एक जो इकोसिस्टम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन के लिए। डीएलएफ ने तो ये साबित करके दिखाया है। डीएलएफ फेज 5 सबसे बेकार लोकेशन मानी जाती थी एक टाइम पे, क्योंकि वो सिक्योरिटी के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से सबसे बाद में आती थी और कहीं ना कहीं लोग वहां पे जाने से डरते थे। क्योंकि आज की डेट में डीएलएफ फेज 5 डीएलएफ के पास ही है मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप देखोगे तो पूरे गोल्फ कोर्स रोड में जितने भी डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4, 5 है, सबसे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन और सबसे जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज जहां पर एप्रिसिएट हुई है वो है इनकी डीएलएफ फेज 5। तो डीएलएफ फेज 6 भी उसी तरह से ही ये बनाएंगे, उसी तरह से इसका इकोसिस्टम होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेचुरल ब्यूटीज कंपेयर टू डीएलएफ फेज 5 ज्यादा है। यहाँ पर आपको अरावली रेंज मिलती है जिसकी वजह से आपको एक जो एयर इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलता है। और आप जब बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने जो इतना पैसा लगाएंगे, ऑब्वियसली वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं जहां पर जो एटलीस्ट आपकी हवा है वो तो साफ आपको मिले। तो कहीं ना कहीं जब अरावली रेंज आपके सामने आती है जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैन है, तो वहां पर आपकी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। 10,000 एकड़ का आपको लेपर्ड ट्रेल मिलता है और वहां से ही 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको 4 से 5 गोल्फ कोर्स रेंजेस मिलती है। इसके बैक साइड में आपको 200 एकड़ की फॉरेस्ट लैंड मिलेगी जो आपके प्रॉपर्टी से विजिबल रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका डेंसिटी है वो कंपेयर टू गोल्फ कोर्स बहुत कम रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये और भी बेटर होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 63 एकर्स में एक मॉल ऑफ इंडिया करके एक रिटेल कॉन्सेप्ट लेके डीएलएफ आएगा जिसमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो सारा डीएलएफ ही ओन करेगा और वहाँ पे आपके ए ग्रेड ब्रांड्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये रिटेल डेस्टिनेशन मार्केट बनेगी जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपके प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन में। इसके साथ साथ इनके पास 50 से 55 एकड़ का एससीजेड भी होगा जो कि आने वाले टाइम में डेवलप करेंगे और उसका भी मैक्सिमम जो एरिया है इन्हीं के पास रहेगा। और साथ ही साथ डीएलएफ साइबर सिटी 2 आएगा जो कि अगेन आपका डीएलएफ साइबर सिटी 1 से बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा और मैक्सिमम एरिया जो है डीएलएफ अपने पास ही रखेगा। और अगर आपने डीएलएफ की हिस्ट्री उठा के देखी हो तो मैक्सिमम जो टेनेंट्स होते हैं डीएलएफ के कैंपस के अंदर वो आपके ए ग्रेड टेनेंट होते हैं। मैक्सिमम जो फॉर्चून 500 टेनेंट्स है उनके पास जो कैंपस है वो डीएलएफ के कैंपस के अंदर ही है। तो उस लेवल के जो टेनेंट्स है वो डीएलएफ अपने
कैंपस के अंदर लाता है, तो वही लोग हैं जो इस लेवल की प्रॉपर्टीज को परचेज करते हैं, इस लेवल की प्रॉपर्टीज के अंदर रेंट पे रहते हैं। तो अगेन ये एक आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है तो उसमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट का ये एक और आपको फैक्टर मिलता है। बात करते हैं सेक्टर 74 की, जहां पर इनका डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, उसके अंदर भी इनके पास अभी बहुत सा लैंड पार्सल बचा हुआ है। डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स बन के तैयार हो चुका है, जो आपको दिखा है दैट इज नॉट द एंड ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स। वो तो आप मान के चल लीजिए कि अभी तक 1/3 एरिया ही इन्होंने डेवलप किया है। इनके पास वहां पर बहुत सा लैंड पार्सल है, वहां पर इनके पास रेजिडेंशियल लैंड पार्सल भी है जहां पर ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे। तो डीएलएफ के पास एसपीआर पे अभी कम से कम 1000 एकड़ का लैंड बैंक जो कि डीएलएफ ओन करता है। पहली बार डीएलएफ के पास इतना बड़ा लैंड पार्सल है इकट्ठा कहीं पे अदर देन गोल्फ कोर्स रोड। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 3 से 4 साल तक 5 साल तक डीएलएफ का जितना भी कंसंट्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन एसपीआर ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि डीएलएफ किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला है वहां पर। अगर डीएलएफ वहां पर अरालियाज, कैमेलियाज और मैग्नोलियाज की सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट करने का विचार बना रहा है या उसका ये इंटेंशन है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस लेवल का इकोसिस्टम डीएलएफ वहां पे तैयार करने जा रहा है। और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को, इस लोकेशन को हिट बनाते हैं, वो है आपका कमर्शियल कैचमेंट। तो अगर गुड़गांव की आप सक्सेस स्टोरी देखो तो कमर्शियल से ही गुड़गांव गुड़गांव बना है। लोग यहाँ पर आए जॉब करने, कंपनीज ने स्पेस ऑक्यूपाई किए, फिर रहने के लिए आसपास घर बने, इसी वजह से प्रॉपर्टीज में एप्रिसिएशन हुआ। कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स रोड के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कमर्शियल टेनेंट्स बहुत आए, फिर उसके बाद जो कमर्शियल का अट्रैक्शन है वो आपका एसपीआर पे भी बहुत अच्छा है। तो जहां पे आपके कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, आसपास की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होता है। और बाय गॉड ग्रेस जो डीएलएफ फेज 6 है उसके पास अपने में ही इतना बड़ा कमर्शियल पैच है और डीएलएफ जैसा ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छे टेनेंट्स को स्पेस लीज आउट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है डीएलएफ के साथ अगले 5 से 10 साल का, तो आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। सो इट वॉज ऑल अबाउट डीएलएफ फेज 6 which is going to create an history. If you have any query related to upcoming launches of DLF, वो चाहे DLF Privana West हो या चाहे इनका DLF Lux जो कि इनका DLF Phase 5 में आना है, which will cost around 45 to 50 CR approximately. So you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. So it was all about DLF Phase 6. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.